छोड़कर वाकई हमने उन लोगों के लिए बनाया था जिन लोगों ने पानी वगैरह पीना हो, लेकिन कोई पानी की बजाय इधर से टूटी उतार के ले गया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं सिंपली आपको अपने घर का आउटडोर टूर करवाने वाला हूँ, जैसा कि लॉन, गार्डन और छत। छत पर मैं आपको अपने डॉग से भी मिलवाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग छत से शुरू करते हैं, उसके बाद नीचे टेरेस पे और फिर गार्डन। हम लोग ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा व्लॉग कर लूँ, वरना पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ धूप थी इसलिए मैं व्लॉग नहीं था कर पा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको डॉग से मिलवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है एलेक्से, ये एक जर्मन शेफर्ड है। और इसका नाम है मैक्स, ये भी एक जर्मन शेफर्ड है। और आहर पे जो सबसे ख़तरनाक, मतलब जिससे हमें भी डर लगता है, वो है क्लोई, और ये एक लाइब्रेरियन शेफर्ड है। तो ये चार सेक्शन जो है ना, ये इनके लिए घर बन रहा है सर बेसिकली, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बहुत तेज़ धूप होती है तो इस वजह से बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए इनके लिए घर बन रहा है। इसके ऊपर छत आएगी और ये सारा चारों तरफ से कवर हो जाएगा और फिर उनके लिए भी आसानी हो जाएगी डॉग्स के लिए। तो यही थी छत और डॉग्स। अगर आपको डॉग्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल्स वीडियोस बना के दिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम सबसे नीचे आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं इस लेमन यानी लीमू के दरख्त पौधे से। ये हमने तकरीबन साल पहले लगाया था। उसके बाद ये है बनाना का दरख्त है, ये 2-3 दिन पहले ही गिरा था और बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से ये गिर गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं बनानास बस पकने ही वाले थे, अब नहीं पता कि ये पूरी तरह पकेंगे या नहीं। उसके बाद ये है एलोवेरा, जो 1-2-3। ओके, तो इधर हमारे पास ये चार गमले हैं जिनमें एलोवेरा और मनी प्लांट, दवाइयाँ और फिर एलोवेरा। ये इधर किसने रखा? उसके बाद ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये जब ये घर बना था यानी 24 साल पहले ये दरख्त इधर लगाया गया था। और ये वाला दरख्त जो आप देख रहे हैं, ये है ब्लैकबेरी का दरख्त है जो कि गर्मियों में उगती हैं और अभी अगर आप गौर से देखें तो उग रही हैं, ये उगना शुरू हो गई हैं। 1-2 मंथ के अंदर ये पूरी तरह उग जाएंगी, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा इधर पहले ये ज़मीन पे टाइल्स नहीं होती थी, सारी मिट्टी होती थी, लेकिन जब बारिश होती थी ना तब इधर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था, इस वजह से इधर फिर टाइल्स लगा दी थी। और ये है हमारा प्यारा झूला जिसके ऊपर हम झूला लेते हैं। ओके, तो अब आपको इधर लेके चलता हूँ। ये बाइक्स खड़ी हुई हैं, इधर कुछ कपड़े लटके हुए हैं, ये हमारा गेट है घर का एंट्रेंस का, और ये हमारा बोर हुआ है पानी का लिए, बोर हुआ है। उसके अलावा ये जो गली है ये साइड से पूरे घर के इर्द गिर्द बनी हुई है, तो इधर पीछे सारे वाटर का, बिजली का, सारे चीज़ों का काम पीछे, ये सारा पीछे से ऐसे गोल घर के चारों तरफ से ये गली जाती है। तो ये जो बोर है पानी का, ये हमने करवाया था, बोर करवा के हमने उन लोगों के लिए बनाया था जिन लोगों ने पानी वगैरह पीना हो, लेकिन कोई पानी की बजाय इधर से टूटी उतार के ले गया। कहाँ से आते हैं ये? हमने बेल लगाई थी और कोई बेल ही उतार के ले गया। तो मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया था और आते आते रात हो गई, तो इसलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।